नमस्कार दोस्तों, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़े गोचर के बारे में, एक बहुत ही ज्यादा बड़े प्लेनेट के ट्रांजिशन के बारे में। अब देखिए, जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का जो गोचर है अभी वो कर्क राशि में चल रहा था, और 17 अगस्त से जो सूर्य भगवान का गोचर है वो सिंह राशि के अंदर हो जाएगा, और सूर्य भगवान सिंह राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है कि जो सूर्य भगवान का गोचर सिंह राशि के अंदर हो रहा है वो कैसा रहेगा हमारे लिए, हमारे जो जीवन है उसके ऊपर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी राशियों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, कौन कौन सी राशियों के लिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, तो इसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सूर्य भगवान है अभी तक वो कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। कर्क राशि यानी कि जो कैंसर साइन है उसके अंदर सूर्य भगवान अभी गोचर कर रहे थे। अभी सूर्य भगवान जो है वो कर्क राशि से आगे बढ़कर 17 अगस्त को सीधे आगे बढ़कर सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे। अब सूर्य भगवान जब सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे तो ये सिंह राशि जो होती है वो सूर्य भगवान की खुद की राशि होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये समय जो अगला 1 महीने का समय रहेगा, ये देश और दुनिया के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि जो सूर्यदेव है वो सिंह राशि के अंदर काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, काफी ज्यादा बलवान महसूस करते हैं। अब सूर्य हमारे देश के कारक होते हैं, तो देश के लिए जो 1 महीना है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो सूर्य होते हैं वो मान सम्मान के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा देश है उसको कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान सम्मान में वृद्धि मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। सूर्य कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। जैसे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सम्मान मिल सकता है, और हमारे कोई और बड़े नेता है तो उनको भी सम्मान मिल सकता है। चौथा, देखिए जो सूर्य होते हैं वो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरियां इस समय हो सकता है कि सरकारी लेवल पे जो सरकारी नौकरियां हैं वो थोड़ी सी उसकी भर्ती निकल के आ जाए, या जो सरकारी नौकरियां हैं वो हमें ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिले। ओवरऑल जो नौकरियां हैं उसमें हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। सूर्य कहीं ना कहीं हमारे करियर के कारक होते हैं, तो हो सकता है कि करियर का जो क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिले। इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारा करियर है वो काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। जो आगे वाला आने वाला 1 महीना है करियर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सूर्य कहीं ना कहीं हमारे पिता के कारक भी होते हैं, तो पिता के लिए भी अगला 1 महीना अच्छा रहेगा। हमारे जो पिता है पिता की सेहत काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। पिता के साथ जो हमारे रिलेशन है, अगर किसी कारण की वजह से पिता के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो रहे थे, तो पिता के साथ जो रिलेशन है उसमें भी हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसमें भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, बात करें तो सूर्यदेव हमारे जो पेट के अंदर अग्नि होती है अग्नि के कारक होते हैं, यानी कि जो डाइजेशन है हमारा वो काफी ज्यादा अच्छा इस महीने रहने वाला है। अगर हमारा कोई भी जातक इस महीने डाइजेशन के इश्यू से पहले परेशान चल रहे थे, तो डाइजेशन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं इस महीने वो आपकी दूर हो सकती हैं। डाइजेशन आपका काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको राहत देखने को अवश्य मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सूर्य का गोचर जैसे सिंह राशि के अंदर हो रहा है तो स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूर्यदेव होते हैं वो 5th हाउस के कारक होते हैं, स्टॉक मार्केट भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, क्योंकि आगे दाम कम हो सकते हैं। इस महीने अगर कोई स्टॉक बेचेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए, जो हमारी लव लाइफ होती है उसके लिए भी समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं तो रिलेशनशिप आपकी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, रिलेशनशिप के अंदर आना चाहते हैं तो रिलेशनशिप के अंदर इस महीने आ सकते हैं। ओवरऑल जो रोमांस है, लव लाइफ है, वो भी इस महीने हमारी अच्छी चलेगी। बच्चों के साथ में अगर हमारा कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो बच्चों के साथ में परेशानियां हमारी दूर होंगी, बच्चों के साथ रिलेशन हमारे अच्छे होंगे। तो ओवरऑल जो बच्चे हैं उनके साथ उनके लिए भी हमें काफी ज्यादा गुड न्यूज देखने को मिलेगी। ओवरऑल हमारी जो क्रिएटिविटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं जब सिंह राशि के अंदर जाएंगे तो क्रिएटिविटी को काफी ज्यादा मजबूत बनाएंगे, तो क्रिएटिविटी हमारी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
अब देखिए सूर्यदेव कहीं ना कहीं रिलीजियस और पॉलिटिकल चीजों के भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस लेवल पे हमें कुछ एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है धर्म से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी हमें देखने को मिले जो कि पॉजिटिव सेंस में होगी, कोई बहुत अच्छी कोई धार्मिक एक्टिविटी देखने को भी हमें मिल सकती है। तो ये हमने बात किया कि जो सूर्य का गोचर होगा 1 महीने तक वो क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर डालेगा, हमारे देश के ऊपर डालेगा, तो इसके ऊपर हमने बात करी। आइए अगर हम अब राशि वाइज बात करें तो देखिए कौन कौन सी राशियों के लिए गोचर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली राशि की बात करें तो देखिए जो मेष राशि होगी, मेष राशि के जितने भी जातक हैं ये बल्ले बल्ले का समय है उनके लिए, क्योंकि जो मेष राशि के जो जातक हैं उनका लिए जो सूर्य है वो 5th हाउस में आ जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट के लिए चीज अच्छी रहेंगी, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, हेल्थ आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, इनकम आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरी बात करें तो देखिए जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए भी समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए भी जो सूर्यदेव हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि अपने खुद की राशि के अंदर आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग सिंह राशि वाले जातकों को देंगे। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, पिता के साथ संबंध आपके काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसमें आपको गेन देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस में गेन देखने को मिलेगा, आपका अगर कोई डाइजेशन डाइजेशन से रिलेटेड इशू चल रहा था तो वो आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा समय आपके लिए हम ये देख रहे हैं जो सिंह राशि वाले जातक हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू चल रहे थे तो वो आपके दूर हो जाएंगे, ओवरऑल सूर्य देवता की ब्लेसिंग आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। जो हमारी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी ये जो समय है काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका जो कर्म क्षेत्र है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, आपका जो जॉब है या बिजनेस है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपका जो जॉब या बिजनेस है उसके अंदर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, मनचाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है, बिजनेस में कोई बड़ी डील करना चाहते थे तो वो डील इस समय हो सकती है। तो ये आपके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए भी समय जो गोचर है काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा उपाय अगर हम कर सकते हैं इस महीने, देखिए सूर्यदेव वैसे भी कुंडली में हमारी मजबूत रहेंगे, अच्छा उपाय हम अगर करना चाहें तो हम रोज सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में अगर हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ ही साथ में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अगर हम रविवार को करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, साथ ही साथ में पिता का रोज आशीर्वाद लेते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करें कि कौन सी राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, तो देखिए जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके साथ उनके लिए समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तुला राशि में जो सूर्यदेव है थोड़े यहाँ पर कमजोर महसूस करते हैं। तो अब तुला राशि के जातकों के लिए जो ये गोचर है उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख के चलिएगा, पिता की हेल्थ का ख्याल रख के चलिएगा, इनकम का ख्याल रख के चलिएगा, आप जो जीवन साथी है उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करने से बचिएगा, सेहत का ख्याल रख के चलिएगा, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सूर्य भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमारा समय अच्छा रहे, तो सूर्य भगवान आपको ब्लेसिंग जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने देखिए काफी विस्तार से बात करें कि जो सूर्य भगवान का गोचर होने वाला है ये कौन सी राशि के लिए कैसा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नमस्कार।